सूबेदार सुरजीत सिंह गोत्रिया कंपनी सीनियर जेसुप नए भर्ती हुए होकर आए जवानों का गोत्रिया कंपनी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके रहने के लिए आपके दाहिने और मेरे बाएं नजदीक बिल्डिंग में बंदोबस्त किया गया है। अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है आप अपने बेसिक उस्ताद को बताएं, वो आपको एमआई रूम में ले जाएगा। यहां पर सभी प्रकार की दवाई का बंदोबस्त किया गया है। इस दौरान अगर आपने अपने घर में कोई बातचीत करनी हो मेरे पीछे और आपके सामने बिल्डिंग के दाहिने किनारे पर एसटीडी बूथ लगाया गया है, आप समय समय पर जाकर वहां पर अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। आपके खाने का बंदोबस्त बिल्डिंग के पीछे कुकोस वहां पर आपको उस्ताद लेकर जाएगा और उसे वापस कराएगा। अभी अगले 9 महीने तक आप जहां ट्रेनिंग लेंगे इस दौरान आपको अपने घर वालों के साथ मिलने के लिए ऐतवार के दिन गेस्ट मिलन दे रखा गया है और बीएमटी खत्म होने के बाद आपको 28 दिन की छुट्टी दी जाएगी। उस छुट्टी के दौरान आप अपने घर वालों से उपभोग मिल सकते हैं। छुट्टी खत्म होने के बाद आपको बीएमटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी पासिंग आउट परेड होगी। पासिंग आउट परेड होने के बाद आप जैकलाइक रेजिमेंट की जुंटों के अटूट अंग बन जाएंगे। अभी आप सिविल माहौल से आए हैं, फौजी माहौल में डालने के लिए आपका हेयर कट कराया जाएगा। अगले दिन आपको किट इशू किया जाएगा। हेयर कट के लिए हॉल्डर पवन इन्हें बार्बर शॉप में ले जाए। रिक्रूट्स को पता था कि अब उनकी जिंदगी में कई तब्दीलियां आने वाली हैं। उसकी शुरुआत हो चुकी थी। फौजी तरीके में बाल कटवाना पहला कदम था। छोटे छोटे बालों को कम रख रखाव की जरूरत पड़ती है और इंसान दिखने में चुस्त और स्मार्ट लगने लगता है। पहला कदम तय करने के बाद इनका अगला पड़ाव है बटालियन स्टोर। यहाँ रिक्रूट्स को अलग अलग किस्म की फौजी वर्दियां बांटी जाती हैं। वही फौजी वर्दियां जिनको अब तक ये हसरत भरी निगाहों से देखते थे, पर आज उन्हें पहनने का मौका और हक इनको मिला है। अपने अफसरों से वर्दियां हासिल करना इनकी जिंदगी का पहला तमगा है जो इन्हें मिलता है। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती पहनावा हासिल करने के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस पहनावे को कब पहना जाए और किस तरह से पहना जाए। सभी ने रिक्रूट ध्यान दे, जो आपको बटालियन स्टोर से ड्रेस इश्यू हुआ है उसको आप किस प्रकार से तैयार करके पहनना है उस्ताद आपको उसका नमूना देंगे। खाकी वर्दी किस समय पहनी जाए, ड्रिल के समय, पढ़ाई लिखाई की क्लासेस के समय, हथियार की ट्रेनिंग के समय, फायरिंग के समय या अन्य फौजी ट्रेनिंग के समय, कॉम्बैट ड्रेस, कैंप ट्रेनिंग के दौरान, मुफ्ती ड्रेस, बड़ा खाना के वक्त, एमएमजी ब्लॉक में जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, किसी जश्न के मौके पर, पीटी ड्रेस, पीटी और खेलों के दौरान, सोने के वक्त पहनी जाने वाली वर्दी। सबसे पहले आपको किस प्रकार से तैयार करना है उस्ताद आपको उसका नमूना देगा, आप अच्छी तरह उसे देखें और समझें। उस्ताद आशिकुल सैन। वर्दी को पहनने का सलीका आना निहायत जरूरी है। पहली नजर में किसी फौजी को किसी आम आदमी से जो चीज अलग करती है वो है पहनावे का सलीका। ये रिक्रूट्स को समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई सजीली और रोबेली टोपी से, यानी बैरेट से। सबसे पहले बैरेट के अंदर रोई वाले हिस्से को बाहर निकालें और बैरेट के ऊपरी भाग को पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद इसे निचोड़ें और झाड़कर उसका पानी निकाल दें। पानी अंदर ले जाता है जिसको हम साइड में लेके इसको हल्का सा ठंडना है। 2-3-4। अब रोई वाले हिस्से को
फिर से अंदर डाल दें। इसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके टोपी को ऐसे घुमाएं कि वो पहले जैसी सूरत में आ जाए। अब बारी है इसको सिर पर बैठाने की, पर उससे पहले ध्यान रहे कि बैज के अंदर की तरफ की इस लिट को बाई आंख की सीध में रखते हुए पहनना है। अब बैरेट के बॉर्डर में पिरोई हुई डोरी को अपने साइज के हिसाब से कस लें। अब बैरेट वापस उतार कर किसी पतली और नुकीली चीज से बची हुई डोरी को अंदर की तरफ धकेल दें। अब बैरेट को फिर से सिर पर लगाएं। अब बारी है इसको अपने सिर पर सेट करने की। टोपी को पहनने के बाद अभी यहाँ पर आपकी टोपी सेट नहीं है, अभी किस पर कर उसको सेट करना है आपने दोनों हाथों से? अपना एक हाथ बॉर्डर पर इस तरह से टिकाएं और दूसरे हाथ से जोर से दबाते हुए दूसरी तरफ मोड़ें। अब बारी है बैज लगाने की। सबसे पहले 1.5 इंच की चौड़ाई वाली चिंदी को सही जगह पर रखकर निशान लगाना है। चिंदी को इस प्रकार से बैरेट पर खड़ा करें। अब चिंदी के बीच का हिस्सा आपकी आंख के सेंटर में होना चाहिए। यहां पर निशान लगाकर बैरेट को उतार लीजिए। उतारने के बाद हमें चिंदी की सिलाई लगाए गए निशान पर रखकर करवानी है। अब अपना रेजिमेंटल बैज चिंदी के ऊपर इस प्रकार रखें कि वो चिंदी के खड़े कोनों के बीचों बीच आ जाए। चिंदी का कॉर्नर और ये दो राइफल के बीच में जो क्रॉस बन रहा है इसका सेंटर और ऊपर वाला चिंदी का ऊपर वाला कॉर्नर, इन चारों को आपस में मिलाते हुए बैज को सेट करना है। अब बैज को नीचे की तरफ दबाएं ताकि चिंदी में दो निशान हो जाएं। अब इन निशानों में किसी नोकीली चीज से सुराख करें। अब उन सुराखों में बैज को बिठा दें। अब इसे पलटकर अंदर की तरफ से ये पिन इस प्रकार से लगा दें। इससे बैज अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और कभी गिरेगा नहीं। पिन लगाने के बाद ये लिड ऊपर रख कर इसकी सिलाई कर दें। अब बैज का पिन सिर पर नहीं चुभेगा। अब हो गई बैरेट तैयार। शोल्डर बैज को सरकाकर एकदम नीचे की तरफ लगाएं, जिससे वो ढीला ना रहे। नेम बैज दाहिनी जेब की ऊपर वाली सिलाई के साथ एकदम सीधा करके लगाएं। बेल्ट को सेट करने से पहले दाहिने हाथ में मुड़ा हुआ कुंडा और बाएं हाथ में सुराख वाला कुंडा पकड़ें। बेल्ट लगाने से पहले ध्यान में रखें कि कमीज की ये लाइन और जिप की लाइन एकदम सीध में हो और बेल्ट का बकल ठीक उनके बीचों बीच में हो। बैक साइड के ये दो कुंडे पिछले वाले लूप से बराबर दूरी पर रहें। आगे से बकल बंद करने के बाद इस प्रकार कमीज की सिलवटें निकाल लें, आगे और पीछे दोनों तरफ से। ड्रेस पहनने के बाद कमीज के ऊपरी 3 बटन दिखने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। पैंट पहनने के बाद जूते के केवल 2 फीते ही दिखने चाहिए। पगड़ी पहनते समय ख्याल रखें कि पगड़ी के दोनों तरफ 6 सिलवटें बने। पगड़ी के बीच में दिखने वाली लाल पट्टी की लंबाई 1.25 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। कॉम्बैट ड्रेस में आगे की तरफ लगा पाउच इस्तेमाल होगा एम्यूनिशन रखने के लिए, जिससे फौजी के हाथ खाली रहें। पीछे लगे बैग में होगा एम्यूनिशन के साथ गुजारे लायक जरूरी सामान। मुफ्ती ड्रेस, नाइट ड्रेस और पीटी ड्रेस को पहनते समय भी ये ध्यान रखना है कि वो साफ सुथरी हों और सलीके से पहनी गई हों। पहनना सीख लेने के बाद अब जरूरी है अपनी वर्दी और सामान को सही तरह से रखना। सबसे पहले हर रिक्रूट को अपना खास आर्मी नंबर लिखकर अपने हर सामान में लगा देना है।
अपने लॉकर्स पर बने शेल्फ पर रोजमर्रा का सामान रखना है और हैंगर्स का इस्तेमाल अपनी वर्दी टांगने के लिए करना है। शाम होने के बाद नाइट ड्रेस पहनकर अपने कपड़े और जूते दुरुस्त करें और आने वाले कल की तैयारी करें। ठीक 10 बजे की सीटी ऐलान करती है सोने के वक्त का। अगले दिन की शुरुआत होगी सुबह 5:45 बजे के बिगुल से। सुबह की चाय मदद करती है आंखों की नींद ठीक से भगाने में। चाय के बाद का वक्त है बाथरूम की तरफ रुख करने का, पर बैरिक छोड़ने से पहले यह जरूरी है कि आप अपना बिस्तर दुरुस्त करके जाएं, अपने स्लीपिंग बैग को ठीक से समेटें और बिस्तर सीधा और साफ करें। सुबह उठकर ब्रश करना भी निहायत जरूरी है, ये सुबह सुबह आपको ताजगी का एहसास देता है। जोर जोर से ब्रश करने से हम अपने दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्रश को थोड़ा आस्ता करो, धीरे करो, ऊपर से नीचे किस प्रकार आपको बताया था उस प्रकार ब्रश करो। हमेशा अच्छे किस्म का ब्रश और अच्छे किस्म का टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। शहरी किस्म के टॉयलेट इस्तेमाल करते समय ये जरूरी है कि हम इस्तेमाल के बाद ऊपर लगे फ्लश के इस बटन को घुमा दें। इससे निकलने वाले पानी के बहाव से टॉयलेट की सीट साफ हो जाएगी। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना भी जरूरी है, पर सिर्फ पानी से हाथ धोना काफी नहीं है। हाथ किसी बढ़िया किस्म के साबुन से धोएं, इससे हाथों के तमाम कीटाणु मर जाएंगे। एक रौबदार और खुशनुमा शख्सियत के लिए जरूरी है चेहरे का रुआब, और इसे पाने के लिए जरूरी है कि हम रोज सुबह शेव करें। सबसे पहले शेविंग क्रीम चेहरे पर लगाएं, ब्रश को गीला करें और शेविंग क्रीम के साथ चेहरे पर चलाएं। चेहरे पर शेविंग क्रीम अच्छी तरह से लग जाने के बाद ब्लेड लगाकर अपना रेजर तैयार करें। ख्याल रहे कि आपका रेजर और ब्लेड अच्छी क्वालिटी का हो, और जब रेजर चेहरे पर सख्त लगने लगे तो उसका ब्लेड बदल दें। धीरे धीरे इस प्रकार चेहरे पर लगी क्रीम वाले हिस्से पर रेजर को चलाएं। रेजर दाढ़ी के बड़े बाल काटता चला जाएगा। शेव हो जाने के बाद तौलिए से अपना मुंह साफ करें। इसके बाद आपको लगाना है आफ्टर शेव लोशन। यूं होगी दिन की शुरुआत एक तरोताजा चुस्त दुरुस्त रिक्रूट की। अपने रेजिमेंटल सेंटर को पहली बार घूमकर देखना एक रिक्रूट के लिए अपने आप में एक बहुत अहम और सुहाना सफर होता है। रेजिमेंटल सेंटर को करीब से देख लेने के बाद अब रिक्रूट्स को पता चल जाता है कि उनका नया घर कैसा है। नए आए रिक्रूट्स के लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि खान पान का सही तरीका क्या है। डाइनिंग हॉल में जाने से पहले रिक्रूट्स के अफसर उनको हिदायत देते हैं कि डाइनिंग हॉल में किस तरह जाएं और खाना लें। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना निहायत जरूरी है। रिक्रूट्स को एक एक करके अंदर जाना है। अपने प्लेट, चम्मच और ग्लास लेकर एक लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना है। रेजिमेंट में आने के पहले दिन से ही रिक्रूट्स की जिंदगी में बदलाव शुरू हो गया। आज वो अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर एक जैसा खाना खाएंगे, एक बहुत बड़े परिवार की तरह।
इससे पहले कि खाना शुरू हो, अफसरान रिक्रूट्स को बताते हैं कि खाना खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करें, खाते वक्त ज्यादा मुंह ना खोलें, खाते समय हाथ मेज पर ना रखें। ओके, सभी जवान अपना अपना खाना शुरू करें। अफसर की बात गौर से सुनने के बाद शुरुआत होती है एक नए दौर की, जिसमें एक बड़ा परिवार अपने नए मुखिया के साथ बैठकर सलीके से खाना खाता है। खाने के बाद सबको एक साथ उठकर बाहर जाकर अपने बर्तन धोकर रखने होते हैं। खाने के बाद थोड़ा आराम और फिर 5 बजे का वक्त है खेलों का। खेलों से शरीर तंदुरुस्त रहता है और चुस्ती फुर्ती कायम रहती है। अपनी पसंद और काबिलियत के हिसाब से रिक्रूट्स अपना खेल चुन सकते हैं। यहाँ फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती और कई तरह के खेलों की सुविधा है। शाम होते ही क्वार्टर गार्ड से निकलती बिगुल की आवाज दिन की कार्यवाही खत्म होने का ऐलान करती है।